यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये नाम अक्सर हम लोगों ने टीवी चैनल्स पे सुना होगा और इस बार भारत का इससे जुड़ाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। दरअसल भारत को पिछले साल यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनाया गया था और आज यानी 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समुद्री सुरक्षा पर एक खुली बहस की डिजिटल माध्यम से अध्यक्षता करेंगे। आखिर क्या है यूएनएससी, आइए जानते हैं। अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। यह परिषद दुनिया भर के देशों में शांति मिशन भी भेजता है और यदि दुनिया के किसी भी हिस्से में मिलिट्री एक्शन की जरूरत होती है तो सुरक्षा परिषद उसमें अपनी सहायता भी देता है। आखिर क्यों खास है यह भारत के लिए, आइए जानते हैं। इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारत के कोई प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बार 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल हो जाएंगे और इन 75 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस परिषद की अध्यक्षता करेगा। इस बार यह बैठक इसलिए और ज्यादा अहम होने वाली है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें अपनी सहभागिता को दर्ज करवाएंगे। हाल में ही दक्षिण चीनी सागर एवं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उत्पन्न हुआ गतिरोध किसी से नहीं छिपा है और माना जा रहा है इस बैठक में उन सभी मुद्दों को प्राथमिकता दी जा सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इस बार समुद्री सुरक्षा, वैध समुद्री गतिविधि और तमाम प्रकार के पारंपरिक खतरों का मुकाबला करने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। डिजिटल माध्यम से होने वाली इस बैठक का विषय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना होगा ताकि भविष्य में तमाम प्रकार के समुद्री खतरों से निपटा जा सके। गौरतलब बात यह भी है कि 1 अगस्त से भारत ने यह बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है और इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए आज भारत के प्रधानमंत्री पूरे एक्शन में दिखेंगे। आपको यह भी बता दें कि आज से 2 साल पहले यानी 2018 को अगस्त के महीने में ही कश्मीर से धारा 370 को बहाल किया गया था और पाकिस्तान के भारतीय विरोधी एजेंडे के आगे एक बड़ा पूर्ण विराम लगाने का काम किया गया था। इस बार क्या होगा बैठक में ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ यानी कबीर न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।